बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ब्लू वर्ल्ड सिटी के तमाम जाने वालों का अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के खसूसी करम से, अल्लाह पाक की दी हुई इस्तेताद से मैं और मेरे बड़े भाई चौधरी नदीम एजाज साहब हम अल्लाह पाक के फजल व करम से हज की सआदत हासिल करने के लिए सऊदी अरब के सफ़र पे गए हुए थे और अल्लाह पाक के खसूसी फजल व करम से ये अल्हम्दुलिल्लाह मरहला बड़ी खुश उसलूबी से तय हुआ और अल्लाह पाक ने हमें हज के दौरान बहुत सारी दुआएं करने का मौका दिया और हज अकबर की सआदत हासिल करने का मैं समझता हूँ ये गोल्डन चांस होता है, ये अल्लाह पाक ने हमें दिया। और इस दौरान हमने बहुत सारी दुआएं मुस्लिम उम्मा के लिए, उसके इत्तेहाद के लिए, मुस्लिम उम्मा को जो परेशानियां दरपेश हैं पूरी दुनिया में उनके तदारुक के लिए, और अल्लाह पाक से ये खसूसी दुआ की कि अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को एक झंडे के साए तले इकट्ठा होकर फिर से एक दफ़ा अपने दीन हक़ की बहारें दुनिया में कायम करने की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के लिए जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल अनरेस्ट है और एक कलमाए हक़ और ख़ुद मुख्तारी का नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है इस मुल्क में, हमारी दुआ है कि अल्लाह करे कि हम वाकई सही मानों में एक खुद मुख्तार कौम बन जाएँ और सिर्फ अल्लाह पाक के यहाँ जवाब दें और किसी को जवाब देना हो। तो जो भी हमारे पॉलिटिकल एरिना से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्त वो भले किसी भी जमात से हों, अगर वो अपने दिल से सच्चाई के साथ वाकई इस एजेंडे पे कारबंद हैं तो अल्लाह पाक उन्हें कामयाबी से नवाजे, और अगर सिर्फ कोई शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेंस किसी के भी जेन में हैं तो अल्लाह पाक उन्हें हदायत अता फरमाए और हमें अपनी आखरत को याद रखते हुए दीन हक को कायम करने के लिए जो अल्लाह पाक ने ज़िम्मेदारी हर मुसलमान पर आयद की है इन्नी जाहिल उन फिल अर्ज़ खलीफा बनाकर, तो वो ज़िम्मेदारी हम सब मुसलमानों को इनफरादी और इज्तमाही हैसियत में पूरी करने की तौफीक अता फरमाए। कल को जब हमने इस दुनिया से वापस जाना है तो अल्लाह पाक ने हमें दिए हुए वसाइल और मालो दौलत के नतीजे में हमने उसकी राह में जो ड्यूटी उसने हमें सौंपी हमने क्या किया उसकी पूछ होगी, इबादात की पूछ ज़रूर होगी, लेकिन हमारे मामला दुनिया में लोगों के साथ कैसे रहे और हमने उसके दीन का और उसकी दी हुई दौलत का और उसकी दी हुई नेमतों का क्या हक अदा किया इसकी पूछ होगी। तो इस सिलसिले में बहुत दुआएं की और उन्हीं दुआओं से हमारा प्रोजेक्ट ब्लू वर्ल्ड सिटी जुड़ा है, क्योंकि हमने बहुत से वादे लोगों से किए और हमारी ज़िंदगी की कोई ग्रोथ है तो उसमें एक अहम माइलस्टोन ब्लू वर्ल्ड सिटी है जो अल्लाह पाक ने मुझे भी अता किया है और मेरे पार्टनर चौधरी नदीम एजाज साहब और फिर उनकी पूरी फैमिली जिसमें बिलखसूस चौधरी नदीम एजाज साहब की बहुत एफर्ट्स हैं उनका ज़िक्र ना किया जाए तो ये हक ना होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ब्लू वर्ल्ड सिटी में चूँकि बहुत सारी कमिटमेंट्स हमने बहुत सारे लोगों के साथ की हुई हैं, बहुत सारी कमिटमेंट्स हम पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अल्लाह पाक से खुसूसी दुआ हमने हज के मौके पे की कि अल्लाह पाक इसकी राह में हायल तमाम रुकावटें दूर फरमाए और हमें खुश असलूबी के साथ, खंदा पेशानी के साथ, सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी के साथ दुनिया का जो मामला है वो दुनिया में ही बहसन तरीके से परफॉर्म करने के, डिलीवर करने की तौफीक अता फरमाएँ ताकि हम इस दुनिया में भी सुरखरू हों और आखरत में भी अल्लाह पाक के यहाँ हम बिल्कुल क्लियर होके जाएँ। तो इस सिलसिले में बल्कि एक दिलचस्प एस्पेक्ट है हमारे हज के सफ़र का कि हम जिस वक्त योम अरफा के बाद और कुर्बानी के बाद जब आपने बीच में शयातीन को कंकरियां मारनी होती हैं तो नदीम साहब का तो मुझे पता नहीं, लेकिन बिलखसूस मैं जिस वक्त छोटे से लेके बड़े शैतान तक कंकरी मारते थे तो शैतान को कंकरी मारने के बाद आपने छोटे शैतान के बाद दुआ मांगने का एक मौका मिलता है और फिर एक दरमियाने शैतान को कंकरी मारने के बाद दुआ का मौका मिलता है। तो मैं ज़ाती तौर पर आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि जिस वक्त हम छोटे शैतान को कंकरियाँ मार के आगे बढ़ते थे तो मेरी दुआ ये होती थी कि अल्लाह पाक हमें हमारे शयातीन से और ब्लू वर्ल्ड सिटी को जुड़े शयातीन से जो है वो पनाह अता फरमा और ब्लू वर्ल्ड सिटी को डिलीवर करने की तौफीक अता फरमा, और यही फिर कैफियत अगले शैतान के बाद दुआ मांगने की होती थी। तो आज भी जो मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ उसमें एक पहलू तो ये है कि हम अल्लाह पाक के घर से वापस आ रहे हैं तो ये खुशखबरी हमने आपसे शेयर की थी, करनी थी, और दूसरा ये कि जो शयातीन ब्लू वर्ल्ड सिटी को जुड़े हैं उन्होंने मार्केट में मुख्तलिफ़ किस्म की अफवाहें फैलाने का अपना पुराना वतीरा उठाया हुआ है
और फिर से एक दफ़ा मार्केट में अफवाहों का बाज़ार गर्म करने की कोशिश की जा रही है हमारे ख़िलाफ़। ब्लू वर्ल्ड सिटी एक वसी और रीज रकबे पे मुहित एक अलहमदिल्ला प्रोजेक्ट है, एक मुसलमान हकीकत है जो सबके सामने आ चुका हुआ है और वो अपने डिलीवरी के मराहल में है। बहुत सारे लीगल मैटर्स इससे जुड़े हैं जिसमें अप्रूवल्स के मामलात हैं, जिसमें ज़मीनों से रिलेटेड मामलात हैं। तो जहाँ ज़मीनों का काम होता है वहाँ कोई ना कोई मकदमात और फौजदारी के मकदमात और दीगर मसाइल जन्म लेते हैं। उन मसाइल को जन्म लेने के बाद असल काम होता है उन मसाइल का हल और उनका तदारक करना। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी की अलहमदिल्ला एक अच्छी लीगल टीम है जो सुबह शाम इस एस्पेक्ट पे काम कर रही होती है। दवाओं के अलावा दवाई की भी ज़रूरत होती है तो वो हम उस लीगल मैनेजमेंट के नतीजे में अलहमदिल्ला खुश असलूबी से और खंदा पेशानी से और साबक कदम रहते हुए अलहमदिल्ला पिछले 4 साल से मुसलसल तमाम चीज़ों को फेस करते हुए और तमाम अदारों के सवालात के जवाब देते हुए आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। बल्कि जो इकबाल का शेर है कि ये तो चलती ही है तुझे और ऊंचा उड़ाने के लिए, तो हमारे साथ आने वाली हर मुश्किल ने अलहमदिल्ला ब्लू वर्ल्ड सिटी की ग्रोथ में इजाफा ही किया है। तो हमारे दोस्तों का जो ये ख्वाब है वो इंशाल्लाह चकना चूर होगा, जो हमारे मोहब्बत करने वाले दोस्त हैं जो हमारे बारे में अफवाहें उड़ाते हैं और हमारे हज के सफ़र को भी डिफरेंट अंदाज में उन्होंने हाईलाइट किया हुआ था और उनका ख्याल था शायद हम ना जाने वाले सफ़र पर रवाना हो गए हैं या वापस ना आने वाले सफ़र पर रवाना हुए हैं। तो हम इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद हैं जी, बल्कि ये मैंने उनके लिए जो दोस्त हमारे बारे में ऐसी खबरें उड़ा रहे हैं उनके लिए आप जमज़म और खजूरें भी रखी हुई हैं आप लोगों के सामने कि वो हमारे पास तशरीफ़ लाएँ, उनको हम आप जमज़म भी पिलाएँगे, खजूरें भी खिलाएँगे और अपने इस बाबरकत सफ़र के जी बरकत भी उनसे शेयर करेंगे। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ बहुत सी दुआएं की वहाँ हमारी तमाम मैनेजमेंट बसमेद नदीम एजाज साहब, नईम एजाज साहब, सरफराज गोंदल साहब, मेरे भाई बुरैर साहब, अरशद अवान साहब, हमजा आमिर साहब और मैनेजमेंट के तमाम लोग जिसमें डेवलपमेंट टीम है, जिसमें सेल्स के लोग हैं, जिसमें ऑपरेशंस के लोग हैं, जिसमें ट्रांसफ़र्स के लोग हैं, अनगिनत महकमे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर क्रिएट होते जा रहे हैं और उन सब कि सुबह शाम की मेहनत का नतीजा वो रियलिटी है जो ऑन ग्राउंड इस वक्त खड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का सबसे बड़ा गेट एक नहीं, इस प्रोजेक्ट में दो दो हैं, गालबन एशिया के सबसे बड़े गेट्स हैं, उसके बाद दुनिया के सबसे बुलंद तरीन हॉर्स मैस्कॉट्स ऑन ग्राउंड मौजूद हैं। हम उनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इंशाल्लाह रजिस्टर कराने जा रहे हैं, वो खुशी भी आपसे शेयर करेंगे। और किसी भी इंटरनेशनल ब्रांड का इस्लामाबाद से एक रीज़नेबल डिस्टेंस पे ये पहला मौका है कि किसी प्राइवेट प्रोजेक्ट में इतने डिस्टेंस पे जो इस्लामाबाद के ब्लू एरिया से हो वहाँ पे हमने एक इंटरनेशनल चेन की फ्रेंचाइज खोली और उसमें हमारे लिए खुशी की बात यह है कि उसके जो पूरी दुनिया के प्रेसिडेंट हैं यानी पूरी दुनिया में जितनी सेकंड कप की ब्रांचेज हैं उनको जो साहब देखते हैं उनका नाम जिम रेगस है, वो यहाँ खुद तशरीफ़ लाए। तो जो टूरिस्ट सिटी का ख्वाब हम लोगों को दिखा रहे थे वो एक मुसलमान हकीकत बन के आपके सामने नज़र आ रहा है कि इंटरनेशनल कैलिबर के लोग और बाहर से इतने बड़े अदारे के सरबराह अगर ख़ुद तशरीफ़ लाते हैं एक प्रोजेक्ट की में अपनी फ्रेंचाइज की ओपनिंग पे तो ये पाकिस्तान के लिए खुशी और फ़ख्र की बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ब्लू वर्ल्ड सिटी जी अपना ये मिशन खुशअसलूबी से तय करता जा रहा है। अनकरीब हमने ब्लू मॉस्क भी इंशाल्लाह काम शुरू कर देना है। ब्लू मॉस्क की हमने थोड़ी सी लोकेशन चेंज की है, हमारे रुफाका की बहुत ख्वाहिश थी कि ओवरसीज़ ब्लॉक में कोई बड़ा मॉन्यूमेंट क्रिएट किया जाए, तो हम ये 2-2.5 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट एक मस्जिद पे करने जा रहे हैं तो वो हमने उसको प्लेस कर दिया इस वक्त ओवरसीज़ ब्लॉक में। वाटर पार्क की इक्विपमेंट जी हमारी इम्पोर्ट के फाइनल मराहल में है अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह उसका डेवलपमेंट का काम वाटर पार्क का शुरू हो चुका हुआ है, बहुत जल्द वहाँ पे आप वाटर राइड्स ऑन ग्राउंड इंस्टॉल होती भी देख रहे होंगे और वह भी एक बहुत मेजर यूनिक सेलिंग फीचर भी है और एक मेजर हमारा माइलस्टोन है जो जिस वक्त ऑन ग्राउंड डेवलप हुआ तो आपको यानी वो प्रोजेक्ट की भी काया पलट देगा, इस पूरे इलाके की काया पलट देगा और पूरे पाकिस्तान से ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर आप रश लगता देखेंगे। उसके बाद बुर्जुल अरब का मॉन्यूमेंट विच इज़ नॉट अ मॉन्यूमेंट, हमने इनिशली सोचा था कि उसको हम अपना हेड ऑफिस बनाएंगे, अभी हमने उसको वी हैव कन्वर्टेड इट टू इट्स ओरिजिनल यूजेज विच इज़ इन दुबई, जैसे वहाँ पे बुर्जुल अरब एक होटल के तौर पे 5-star 7-star होटल के तौर पे यूज़ हो रहा है, बिल्कुल उसी मॉडल को हम कॉपी कर रहे हैं और इंशाल्लाह उसी अंदाज में यहाँ जो बुर्जुल अरब बन रहा है वो टोटल हमारी अराउंड कोई 400 फीट के करीब हाइट है विच इज़ गोइंग टू बी द टॉलेस्ट स्ट्रक्चर इन
रावलपिंडी इस्लामाबाद, और वो टॉलेस्ट स्ट्रक्चर में से आधा अलहमदिल्ला हम हाइट अचीव कर चुके हैं, यानी 400 फीट में से 200 फीट हम अलहमदिल्ला अचीव कर चुके हैं। तो ये एक और बहुत मेजर ब्रेक थ्रू है। उसके बाद ब्लू वर्ल्ड सिटी की डेवलपमेंट जो 25-30 हज़ार कनाल पे आप जारी सारी देख रहे हैं, उसमें उसकी लाइटिंग का मैकेनिज़्म, उसकी सीवरेज का मैकेनिज़्म और उसकी वाटर सप्लाई का मैकेनिज़्म, उसके वाटर टैंक्स, और फिर जनरल ब्लॉक के करीब जो हमारा फोर्सेस स्कूल सिस्टम की पहली फ्लैगशिप ब्रांच है, वो अपने तकमील के आखिरी मराइल में अगले 2 महीने में इंशाल्लाह हम वहाँ पे क्लासेस का आगाज़ कर देंगे समर वेकेशन के बाद। तो अलहमदिल्ला बहुत सारी ग्रोथ और डेवलपमेंट इस वक्त हमारे प्रोजेक्ट में है, जो सुबह शाम पूरी टीम की अनथक मेहनतों, अल्लाह पाक की खास अता का नतीजा है कि वो ऑन ग्राउंड रियलिटी की सूरत में आपको नज़र आ रहा है। अनकरीब जो हमारे फ्यूचर प्लान्स हैं, उसमें एक स्पोर्ट्स स्टेडियम जो हम ओवरसीज ब्लॉक के ऑपोजिट कतर क्रिकेट स्टेडियम के नाम से या कतर क्रिकेट स्टेडियम के नाम से हम शुरू करने जा रहे हैं, और उसमें एक यूनिक फीचर हम लेके आएंगे, हमारा जो है स्टेडियम इज़ गोइंग टू बी सराउंडेड बाय हाई एंड अपार्टमेंट्स, हाई फिनिश्ड अपार्टमेंट्स, और अपार्टमेंट्स में से आपको क्रिकेट मैच या कोई भी मैच या कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट देखने का इंशाल्लाह मौका मिलेगा। मुजफ्फराबाद में एक स्टेडियम बना हुआ है जहाँ पे इर्द गिर्द की पहाड़ियों से आप स्टेडियम के अंदर कोई भी होता हुआ मैच देख सकते हैं। तो वो सिमिलर लाइंस पे हम यानी स्टेडियम के ऑल अराउंड हम एक पार्किंग लॉट क्रिएट करेंगे ग्राउंड फ्लोर पे, और उस पार्किंग लॉट के ऊपर वो स्ट्रक्चर्स क्रिएट करेंगे जिनकी हाइट से आपको देन इनटू द स्टेडियम फ्रॉम ऑल अराउंड नज़र आएगा। तो अलहमदिल्ला वो एक बहुत मेजर डेवलपमेंट है, 2-3 अरब रुपये की इन्वेस्टमेंट है जो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। उसके अलावा हमारा डाउनटाउन वाला जो फीचर है वो इंशाल्लाह आ रहा है, जो कि मोटरवे से विजिबल होगा। मोटरवे से आप गुजरें तो आपको ज़मीन का एक बहुत बड़ा पीस इकट्ठे नज़र आता है, विच इज़ ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मोटरवे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव टच द मोटरवे, और अल्लाह ने चाहा तो अपना इंटरचेंज या कोई ना कोई फ्लाई ओवर फ्राम वन साइड टू दी अदर साइड हम गवर्नमेंट से अप्रूवल्स लेके बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से बहुत सारी डेवलपमेंट्स ही ब्लू वर्ल्ड में आ रही हैं। बाकी मसाइल हर प्रोजेक्ट के साथ जुड़े होते हैं और वो हम भी फेस करते हैं। जिसने भी बड़ा प्रोजेक्ट डिलीवर करना है उस मुल्क में, उसने वो सारे काम जो इस मुल्क में रवायत बन चुके हैं उनके थ्रू गुजरना है। तो हम भी गुजर रहे हैं और पूरी खंदा पेशानी के साथ गुजर रहे हैं, पूरी अल्लाह पाक के दिए हुए की इस्तेआत के साथ, जो अल्लाह पाक ने हमें ताकत अता फरमाई है, जो अल्लाह पाक ने हमें वसाइल अता फरमाए, तमाम को बुरुए कार लाते हुए हम अपनी डिलीवरी की तरफ सुबह शाम प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है, बिलखसूस ब्लू वर्ल्ड सिटी के बाद जो हमारा ब्लू टाउन के नाम से प्रोजेक्ट लाहौर में इस वक्त अपने लॉन्च फेज़ में है इंशाल्लाह, और उसमें भी हम स्मार्ट सिटी फीचर्स इंट्रोड्यूस करा चुके हुए हैं। तो उसका जो स्मार्ट सिटी ब्लॉक है या ब्लू टाउन इटसेल्फ है, उसकी बहुत तो जल्द आप एक बहुत मेगा कैंपेन टीवी पे इंशाल्लाह देखेंगे, जो तैयार है बिल्कुल, और मैं समझता हूँ अगले हफ्ते 10 दिन में इंशाल्लाह वो कैंपेन भी आप देखेंगे। तो वी आर अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्लाह की दी हुई इस्तेदाद से वो आर हेयर टू स्टे फॉर लॉन्ग टाइम, एंड वी आर गोइंग टू चेंज द वे हाउ वर्ल्ड लुक्स एट पाकिस्तान। अगर हमने ये टूरिस्ट सिटी बनाने में इंशाल्लाह कामयाब हो गए, जो कि अल्लाह पाक हमें सुबह शाम कामयाबियों से नवाज रहा है और हम उस सफ़र को खुश असलूबी से तय करी जा रहे हैं, तो ये वंस इट इज़ डेवलप्ड, तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ लैंडमार्क डेस्टिनेशन फॉर पीपल फ्रॉम अराउंड ऑल अराउंड द वर्ल्ड टू कम एंड विजिट, एंड फ्रॉम फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान टू कम एंड रिजाइड इन। यानी वहाँ पे अगर आपके चलते हॉस्पिटल्स हों, स्कूल्स हों, वहाँ पे वाटर पार्क हो, वहाँ पे दुनिया का अच्छा एक 7-स्टार होटल हो और बहुत सारे टूरिस्ट मॉन्यूमेंट्स हों, तो वो रहने के लिए सोचें कि कितनी इमेजिनेबल प्लेस होगी एट अ कॉस्ट जो पाकिस्तान में कोई भी अभी तक बीट नहीं कर पाया, जिस कॉस्ट में हमने ब्लू वर्ल्ड सिटी के एंड यूज़र्स को अपनी इन्वेंट्री दी है। तो आप लोगों की दुआओं का नतीजा है जी अल्हम्दुलिल्लाह कि ब्लू वर्ल्ड सिटी भी एक मुसलमान हकीकत बन चुका है और लाहौर में ब्लू टाउन भी इस वक्त एक रियलिटी बन के जिसका पहला सेक्टर जो है वो अपनी 80-90% डेवलपमेंट कंप्लीट कर चुका हुआ है। तो ये दो अल्लाह पाक ने कामयाबियाँ हमें दी हैं। इसके बाद हम दीगर शहरों में भी इस वक्त नदीम एजाज साहब और नईम एजाज साहब की बहुत शदीद ख्वाहिश है कि हम दीगर शहरों में भी इसको ऑपरेटिव करें। तो हमारे लिए दुआओं की दरख्वास्त है जी, बहुत जल्द मैं आपके सामने मौजूद हूँ। नदीम एजाज साहब भी अगले 1-2 रोज़ में इंशाल्लाह यहीं होंगे और नईम एजाज साहब भी यहीं होंगे, और हम इंशाल्लाह
एक आपके साथ गेट टुगेदर अरेंज करेंगे और इस बाबरकत सफ़र में जो अल्लाह पाक ने हमें बरकात हासिल करने का मौका दिया वो आपके साथ शेयर करेंगे, और उसके अलावा ब्लू वर्ल्ड सिटी के आइंदा के सफ़र के बारे में इंशाल्लाह तफसीलात और गुफ्तगू आपस में शेयर करेंगे। मैं यहाँ पे हाज़िर हूँ, किसी ने भी किसी किस्म की कोई गुफ्तगू करनी हो या खजूरें और आबे जमजम हमारे पास आके नौश फरमाना हो तो मोस्ट वेलकम। अपनी दुआओं में याद रखिएगा जी। जज़ाकअल्लाह खैर। थैंक यू।